छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है। बस्तर लोकसभा सीट पर चुनाव हो रहा था। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव, नारायणपुर, चित्रकूट, दंतेवाड़ा में वोटिंग खत्म हो गई है और बीजापुर और कोटा में भी वोटिंग हुई थी। शाम 5 बजे तक छत्तीसगढ़ में 63.41% वोटिंग हुई थी और बात करें हम बस्तर में तो 72.81% वोटिंग हुई थी। बीजापुर की बात करें तो 63.41% वोटिंग हुई थी। वहीं चित्रकूट में 73.49% मतदान हुआ है। दंतेवाड़ा में 5 बजे तक 57.2% वोट हुआ है। जगदलपुर की बात करें तो 5 बजे तक 65.5% मतदान हुआ है। वहीं कोंडागांव की बात करें तो 5 बजे तक 72.1% कोंडागांव में मतदान हुआ है। बात हम छत्तीसगढ़ की कर रहे हैं जहां पहले चरण की वोटिंग खत्म हो गई है। छत्तीसगढ़ में बस्तर लोकसभा सीट पर चुनाव हो रहा था। बस्तर के कोंडागांव, नारायणपुर, चित्रकूट, दंतेवाड़ा में वोटिंग हुई थी। बीजापुर और कोटा में भी वोटिंग हुई थी जहां पर अब पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा सीट पर चुनाव हो रहे थे। कोंडागांव, नारायणपुर, चित्रकूट, दंतेवाड़ा में वोटिंग हो रहा था। बीजापुर और कोटा में भी छत्तीसगढ़ के वोटिंग हो रहा था। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान हो रहा था। शाम 5 बजे तक छत्तीसगढ़ में 63.41% वोटिंग हुई थी। बात हम करें छत्तीसगढ़ के बस्तर में तो 72.81% मतदान हुए हैं। चित्रकूट में 63.49% मतदान हुए हैं। दंतेवाड़ा में 5 बजे तक 67.2% मतदान हुआ है। लोकतंत्र के महापर्व के चर्चा के लिए हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड अनिल पुदस्कर जी जुड़ गए हैं। जानते हैं उनसे ताजा अपडेट्स। सर, छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। बस्तर की इकलौती सीट है सर। सर, क्या कहेंगे आप मतदान प्रतिशत को लेकर, पहले और अभी में आपको क्या अंतर लग रहा है? देखिए, बस्तर में जो मतदान हुआ है उसमें अभी तक के जो आंकड़े आए हैं उसमें 63% मतदान बताया जा रहा है। 63% जी। पिछली बार जो मतदान था 2019 में वो 66% था। अभी जो 3% का जो अंतर दिख रहा है, जो कम हुआ है, वो धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि यहाँ बस्तर जो है बहुत कठिन लोकसभा क्षेत्र है। 192 संवेदनशील क्षेत्र है, बूथ है, और 72 बूथ जो है अति संवेदनशील है, तो वहां से आंकड़े धीरे धीरे आते हैं और पूरे कंपाइल होने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन ये जो लोकतंत्र का जो पर्व है उसका उत्सव बस्तर ने आज जमकर मनाया है। लोग जमकर निकले हैं बाहर और कहीं ऐसा नहीं लगता जैसे दूसरे अन्य प्रदेशों में जो शिक्षित और विकसित कहलाते हैं वहां जो जिस तरह से मतदान का प्रतिशत गिरा है, वैसा बस्तर में देखने में नहीं आया, छत्तीसगढ़ में देखने में नहीं आया। बल्कि छत्तीसगढ़ में अगर दो विधानसभाएं जो है जो बुरी तरह से लोकसभा नक्सलवाद के प्रभावित है, बीजापुर और कोंटा, अगर इसको अगर उस वहां अगर मतदान का प्रतिशत बढ़ जाता तो शायद ये जो है आंकड़े 63-70 पार कर जाता। बीजापुर में सबसे कम हुआ है, 40-41% के लगभग, और जो जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी है कलासी लखमा कोंटा से, वहां से 51% मतदान के आंकड़े आ रहे हैं सामने। लेकिन बस्तर है और जगदलपुर है, कोंडापुर है, जो शहरी क्षेत्र है बस्तर लोकसभा के, वहां पे मतदान 70% के ऊपर हुआ है, 72% करीब करीब हुआ है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि मतदान के प्रतिशत में कोई गिरावट नहीं आई है। लोगों ने बढ़ चढ़ कर उत्साह से जो है मतदान में भाग लिया है, और इतनी गर्मी, भीषण गर्मी के बावजूद भी लाइन में लगे रहे, भीड़ लगी रही, लंबी लंबी कतारें लगी रही, तो ये एक अच्छा संकेत है। और ये बताता है कि बस्तर जो है वो पिछड़ा नहीं है, छत्तीसगढ़ जो है पिछड़ा नहीं है, वो साक्षर और विकसित प्रदेशों की तुलना में जो है छत्तीसगढ़ के लोगों ने बढ़ चढ़कर उत्साह से ये इसमें हिस्सा लिया है। जी शालिनी जी, सर, बस्तर के प्रत्याशियों के किस्मत का जो फैसला है वो तो 4 जून के बाद ही क्लियर होगा, लेकिन अपनी अपनी सीट पर मतदान प्रतिशत आने के बाद क्या लगता है सर, कौन प्रत्याशी अपनी जीत का परचम छत्तीसगढ़ में लहरा पाएगा? देखिए शालिनी, अक्सर जो है आंकड़े को लेकर ऐसा कहा जाता है कि जो अगर मतदान ज्यादा हुआ
तो वो शायद सत्ता पक्ष के खिलाफ होता मानते हैं, और अगर मतदान कम हुआ तो उसको सरकार के फेवर में मानते हैं। लेकिन कभी कभी जो है आंकड़ों ने धोखा दिया है, आंकड़ों ने झूठ बोला है, कई बार जो है मतदान ज्यादा होने के बावजूद सत्ता को फायदा मिला है। तो वही स्थिति करीब करीब यहाँ बस्तर में नजर आ रही है। अब जब तवासी लखमा जो है कांग्रेस के प्रत्याशी वो कोंटा से है, तो कोंटा विधानसभा में तो मतदान का प्रतिशत गिर गया है, इंटरनल प्रतिशत है। अब पिछली बार भी जो है विधानसभा चुनाव हुए थे जो अभी पिछले, तो उसमें भी बीजापुर और कोंटा में ही मतदान कम हुआ था क्योंकि नक्सली वारदात हुई थी। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस प्रशासन ने और सरकार ने जिस प्रकार से यहाँ पर जो मतदान के लिए सुरक्षा व्यवस्था की थी उससे एक बड़ी सफलता माना जाएगा इसको चुनाव आयोग का, कि चुनाव उन्होंने शांतिपूर्वक करा दिया। हालांकि एक जो है दुर्भाग्यपूर्ण घटना जरूर हुई, लेकिन उसमें जो नक्सल वारदात का हाथ नहीं था, उस सिपाही की गलती से ही जो है वो शेल जो है फट गया, उसकी मौत हो गई, वो शहीद हो गया। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो बस्तर का जो है मतदान बिल्कुल शांतिपूर्ण रहा, जैसा कि पिछली विधानसभा में था। पिछले विधानसभा चुनाव में तीन तीन विधानसभाओं में नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया था, पोलिंग पार्टी पर भी अटैक किया था और पोलिंग पार्टी को भी रोड ओपनिंग पार्टी को भी कोशिश की थी रोकने की, तो उस हिसाब से वहां मतदान गिरा था। लेकिन इस बार जो है ऐसा कुछ नजर नहीं आया, क्योंकि दो दिन तीन दिन पहले ही जो है सांकर क्षेत्र में जमकर जो है नक्सलियों के खिलाफ पुलिस ने मोर्चा खोला था और 29 नक्सलियों को ढेर करने में कामयाबी मिली थी पुलिस को। तो इसलिए आज से देखा जाए तो ऐसा लगता है करके कि वो जो है पुलिस नक्सलियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जो है उसने जो है नक्सलियों को नकेल कर दी है। और नारायणपुर क्षेत्र जो है नारायणपुर विधानसभा जो कांग्रेस से लगी हुई, वहां पे भी मतदान जो है 70% लगभग हुआ है। तो इससे ऐसा लगता है करके की ऐसा कोई प्रभाव हुआ कि प्रभाव शांतिपूर्ण हुआ है। और मतदान के आंकड़ों के हिसाब से अगर प्रत्याशी की किस्मत कहा जाए तो तय नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है बस्तर की एक सीट जो है जो परंपरागत रूप से कांग्रेस का गढ़ है वो कांटे में फंसी हुई नजर आती है। जी शालिनी जी। सर हमें ये खबर आई थी कि 29 नक्सलियों को हमारे सुरक्षा वालों ने मार गिराया था, लेकिन सर बस्तर से आज ये खबर आई कि मतदान के बीच आईईडी बम ब्लास्ट हो गया और हमारा एक जवान उसमें शहीद हो गया। सर ऐसे में कोई प्रभाव पड़ता दिखाई दिया क्या आपको मतदान प्रक्रिया के बीच में? नहीं शालिनी, मैंने जैसे अभी पहले ही बताया कि वो जो है जो शहीद हुआ है वो नक्सली वारदात में नहीं हुआ है और आईईडी ब्लास्ट में नहीं हुआ है। वो एक यूजीसी शेल बोलते हैं जो ग्रेनेड रहता है, वो उसकी गलती से फट गया, उसमें उसकी मौत हुई है। तो इससे कोई मतदान पर प्रभाव पड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था, लेकिन जो व्यवस्था भी थी प्रशासन ने बहुत चाक चौबंद की थी, तो इसलिए मतदान पर नक्सलवाद की जो घटनाएं हैं या नक्सली का जो प्रभाव है, जो नक्सलियों के जो बहिष्कार की जो चेतावनी है उसका कोई असर नहीं पड़ा। और इसीलिए देखिए 63% जो है इस बार हुआ है, पिछली बार 66% था और अभी आंकड़े आ रहे हैं। चाहे ये बहुत सुदूर क्षेत्र के जो है आंकड़े हैं, जो टेंटेटिव जो आंकड़े हैं 5 बजे तक के वो आ गए हैं, लेकिन बाद में जब मिलान करते हैं तो 4-5% का फर्क आता है, जुड़ते हैं आंकड़े। और तो इसलिए इस लिहाज से कहा जा सकता है कि यहाँ मतदान प्रभावित नहीं हुआ है। और मैं तो फिर एक बार कह रहा हूं कि बस्तर को जो कहते हैं कि लोग आदिवासी क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है, तो वो इसने दिखा दिया कि आदिवासी जो कल तक नमक के बदले चिरौंजी दे देता था, वो उसको अपने वोट की ताकत का पता चल गया, अंदाजा पता चल गया और अपने वोट से वो सरकार बनाने के लिए या बदलने के लिए वो निकलने लगा है। तो ये जो प्रतिशत है 66% कोई बुरा प्रतिशत नहीं है और इसका उस पर नक्सलवाद को प्रभाव पड़ता दिख रही है। जी शालिनी। सर प्रथम चरण का वोटिंग मीटर हमारे सामने आ चुका है, सर अब आपको आगे के चरणों में क्या मतदान प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लग सकता है? क्या आपको लगता है आगे के चरणों में मतदान प्रतिशत बढ़ेगा? जी शैली, मतदान प्रतिशत तो बढ़ेगा, आप तो सब सारी शहरी क्षेत्र है, शहरी वो है। लेकिन देखिए बस्तर में मतदान पिछली बार भी बहुत अच्छा हुआ था, इस बार भी अच्छा हुआ है, तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि बस्तर में मतदान कम होता। हाँ एक बात जरूर है, बीजापुर सीट में जो मतदान हुआ है 41%, वो जरूर चिंता का कारण है। चाहे चुनाव आयोग के लिए भी चिंता का कारण होगा, प्रशासन के लिए भी चिंता का कारण होगा, क्योंकि विधानसभा में भी बहुत ज्यादा वोटिंग नहीं हुई थी बीजापुर में। बीजापुर और कोंटा दो क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पिछली बार भी कम हुई थी और इस बार भी कम, तो उस बारे में इस बारे में जरूर चिंता हो सकती है। लेकिन बस्तर के ही शहरी क्षेत्र जो है, जैसे कोंडा गांव हो गया, जगदलपुर हो गया, नारायणपुर हो गया, जो पसदाई है और बड़े शहरी क्षेत्र गिना जा सकता है उनको, विकसित क्षेत्र है, तो वहां पर जो मतदान है 70% के आसपास हुआ, तो इसको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भी मतदान जो है बढ़ चढ़ कर लेंगे लोग हिस्सा और उत्सव का जो है जमकर आनंद लेंगे लोग। जी चलिए जी सर, तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए धन्यवाद। तो ये हमारे साथ छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड अनिल पुदस्कर जी जुड़े थे।
तो हम आपको छत्तीसगढ़ की खबर दिखा रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है। बस्तर लोकसभा सीट पर छत्तीसगढ़ में चुनाव के लिए वोटिंग हो रही थी। कोंडागांव, नारायणपुर, चित्रकूट, दंतेवाड़ा में वोटिंग हो रही थी।